गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है सुमित कुमार टहलवानी। आज हम आयरिस साइबरनेटिक्स के बारे में देखने वाले हैं। आयरिस साइबरनेटिक्स एक डिजिटल टीचिंग डिवाइस है। हम देखते हैं कि जब डिजिटली हमें पढ़ाना होता है तो हम एक वे इस तरह से यूज करते हैं कि हम अपने अपने सामने एक कैमरा लगाते हैं और एक वाइट बोर्ड पे हम जो भी पढ़ाना है वो मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन इससे एक ड्रॉबैक ये होता है कि आप जब बच्चों के साइड से आप देखते हो इसे तो बच्चों की आंखों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो राइटिंग आप लिखते हो, हम जो राइटिंग लिखते हैं वो बहुत ब्लर से दिखता है या इतना अच्छे से हम उसे देख नहीं पाते हैं। उसके अलावा हमारे पास मुझे अगर गूगल से पढ़ाना है तो उसके लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास साइबरनेटिक्स आयरिस जो आप मॉडल देख रहे हो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, आप बहुत अच्छे से इसे यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरे इंटरेक्टिव बोर्ड्स आते हैं उसमें और साइबरनेटिक्स में डिफरेंस ये है, एक तो आप देख रहे हो ये बहुत छोटा सा डिवाइस है साइबरनेटिक्स, और इंटरेक्टिव बोर्ड जो जैसे 6x4 का कोई इंटरेक्टिव बोर्ड आ रहा है तो साइज में बहुत ज्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या अदर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पे साइबरनेटिक्स आयरिस आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक छोटा सा डिवाइस लगा हुआ है। साइबरनेटिक्स आयरिस में बेसिकली दो टाइप के मॉडल आते हैं, एक साइबरनेटिक्स आयरिस 9 जो मेरे पास अवेलेबल है, अभी मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, और इसमें जो दूसरा जो साइबरनेटिक्स का जो मॉडल आता है वो साइबरनेटिक्स प्रो करके आता है। तो यहाँ पे साइबरनेटिक्स 9 और साइबरनेटिक्स प्रो में बस इतना ही डिफरेंस है कि साइबरनेटिक्स 9 जो है वो वायर्ड डिवाइस है और साइबरनेटिक्स प्रो जो है वो वायरलेस डिवाइस है। तो आप यहाँ पे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरा मेरे कंप्यूटर से मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है और मैं ये सेशन में साइबरनेटिक्स के सॉफ्टवेयर पे ही डाउनलोड कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये साइबरनेटिक्स का जो मॉडल है ये साइज में, और यहाँ पे ये इस तरह से ये यूज किया हुआ है। इसके फीचर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं यहाँ पे। मेरे पास व्हाइट बोर्ड में ये अवेलेबल नहीं होता है कि मैं वहाँ पे पेजेस आगे बढ़ाते जाऊँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप न्यू पेज पे जाएं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स अवेलेबल है, आप देख सकते हो। मुझे ग्रीन बोर्ड पे वर्क करना है तो मैं ग्रीन पे कर सकता हूँ, मुझे ब्लैक बोर्ड चाहिए ब्लैक बोर्ड पे काम कर सकता हूँ, मुझे ग्राफ से रिलेटेड कुछ काम करना है, मुझे कोई लैंग्वेज पढ़ानी है, या मुझे प्लेन बोर्ड चाहिए तो मैं इस तरह से प्लेन बोर्ड भी यूज कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पेन्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे लगभग 10 टाइप के पेन्स के कलर्स अवेलेबल हैं। ग्रीन चाहिए मुझे तो मैं ग्रीन से जो लिखना है मैं लिख सकता हूँ, मुझे ब्लू पेन चाहिए तो मैं ब्लू पेन से लिख सकता हूँ, मुझे इस पेन का साइज बड़ा करना है तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है तो मैंने यहाँ रेड पेन चूज किया, मुझे इससे ज्यादा भी मुझे पेन का साइज चाहिए तो वो भी मैं यूज कर सकता हूँ। उसके अलावा जो यहाँ पे और ज्यादा जो अच्छे जो फीचर्स हैं वो ये है कि आप यहाँ पे, मैं वापस से एक नया पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे अब नया फीचर देखते हैं टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन। तो आप यहाँ लिखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन हमने सिलेक्ट किया हुआ है। तो टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन से क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिख के आ गया, और आप ये जो आपका टॉपिक का नाम है इसे आप ऊपर इस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें और जो दूसरे फीचर्स हैं, अब मुझे ज्योमेट्री पढ़ानी है तो यहाँ पे ज्योमेट्री के लिए मेरे पास रूलर अवेलेबल है, मुझे ज्योमेट्री के लिए मेरे पास कंपास अवेलेबल है, मुझे ज्योमेट्री के लिए मेरे पास प्रोटेक्टर अवेलेबल है। तो ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्पोनेंट्स है ज्योमेट्री के आप ये भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे जो और जो फीचर्स हैं तो वो मुझे अगर देखने हैं तो यहाँ पे जो दूसरे फीचर्स आते हैं वो फीचर्स हैं आपके, यहाँ आप देख सकते हो। हाँ, स्मार्ट स्मार्ट ड्रॉ, मुझे यहाँ पे मुझे मुझे जो भी चाहिए, मुझे अगर सपोज मुझे ट्रायंगल बनाना हो तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रायंगल का साइज कम ज्यादा करके यहाँ पे आप बना सकते हैं, मुझे रेक्टेंगल बनाना है तो यहाँ पे आप ये रेक्टेंगल बना सकते हो, मुझे उसके अलावा मुझे यहाँ पे एक स्मार्ट ड्रॉ का एक दिया हुआ है, मैं मुझे जो काम करते करते मुझे सर्कल बना के देना है, लेकिन मेरी जो सर्कल की जो जो मुझे है मेरी स्केल नहीं है कि मैं वैसे बना पाऊँ, तो यहाँ पे स्मार्ट ड्रॉ से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो दूसरे जो फीचर्स हैं उसके उसके तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे
कि मेरे पास हाँ, अब पढ़ाते पढ़ाते जब मुझे गूगल से कुछ डाटा रीड करना है तो उसके लिए हम गूगल का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप गूगल का प्लेटफॉर्म यूज ना करते हुए साइबरनेटिक्स में ही आपके पास ये सब कुछ दिया हुआ है। सपोज मैंने यहाँ पे मुझे कोई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाना है तो मैंने यहाँ पे मुझे ऑडिनो के बारे में पढ़ाना है, यहाँ पे मैंने ऑडिनो लिखा और मुझे गूगल के इंटरनेट से थ्रू यहाँ पे वो सारी इमेजेस यहाँ पे आ जाएगी और मैं उसे पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं, दूसरा फीचर देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड पढ़ाना है तो मैंने यहाँ लिखा ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट। सो मैं यहाँ पे ह्यूमन हार्ट से मुझे इमेजेस लेनी है तो मैं इमेजेस पढ़ा सकता हूँ। मुझे कुछ वीडियोस पढ़ाने हैं तो मैं वीडियोस पढ़ा सकता हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे इमेजेस आए हुए हैं तो उसमें से मैं कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ ये जो इमेजेस पढ़ानी है मुझे। उसके बाद ये भी इमेज पढ़ानी है मुझे। उसके बाद मुझे वीडियोस पढ़ाने हैं तो मैं वीडियोस पे क्लिक करके मैं वीडियोस भी दिखा सकता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। और मैं उसके बाद इसे ऑफ कर, सपोज मुझे ये वाला इमेज मुझे सबसे पहले पढ़ाना है तो मैंने इस इमेज को यहाँ पे स्टॉप किया और इस इमेज को मैंने यहाँ क्रॉप करके यहाँ रख लेता हूँ। जी ये इमेज पढ़ाना है तो यहाँ पे अब आप इजीली आप देख सकते हैं आप यहाँ मुझे ये क्या पार्ट, इस पार्ट का क्या रोल है, यहाँ पे ये क्या पार्ट यूज होता है, ये किस लिए होता है। उसके अलावा फिर आपका ये डायग्राम होने के बाद आप इस डायग्राम को आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा करके आप साइड में ले जा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको दूसरा जो इमेज पढ़ाना है वो भी आप इमेज यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर मुझे एक और फीचर देखना है तो एक और फीचर नए पेज पे चले जाते हैं। अब मुझे देखना है यहाँ पे इसके अलावा जो मुझे यहाँ पे जो प्री डिफाइंड डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि साइंस रिलेटेड यहाँ पे पीरियोडिक टेबल दी हुई है तो आप ये पीरियोडिक टेबल यहीं से पढ़ा सकते हैं। फिर उसके अलावा मुझे यहाँ बहुत सारे बुक्स और पीडीएफ दी हुई है तो आप ये भी पढ़ा सकते हैं। मुझे सपोज मुझे पढ़ाना है यहाँ से अरिथमेटिक, एक टॉपिक ले लेते हैं, मैंने ये अरिथमेटिक टॉपिक मुझे पढ़ाना है। आप यहाँ से ये सारे पीडीएफ, सारे वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप यहाँ से ये पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अब मुझे जब कोई लैंग्वेज पढ़ाना है या कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है और उसकी पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है तो वो भी आप यहाँ से आप पढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने यहाँ पे मेरे पास मैथ्स के कुछ पीडीएफ अवेलेबल है तो मैं यहाँ से मैथ्स के तो यहाँ मैथ्स 8 मैं एक पीडीएफ ले लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने पीडीएफ ओपन की हुई है। मुझे इस पीडीएफ में से सपोज मुझे कुछ यहाँ पे जो भी आपको टॉपिक, सपोज यहाँ पे ये टॉपिक आपको आपको अपने एरिस साइबरनेटिक्स में ले जाना है तो आप यहाँ से आप फ्रीली आपके पास चार ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे क्रॉप करने के लिए। एक आपके पास ऑप्शन है कि फ्री फ्री हैंड आप यूज कर सकते हैं, एक सर्कल यूज कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं और आपको अगर फुल स्क्रीन आपको अगर कैप्चर करनी है तो आप फुल स्क्रीन भी कैप्चर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे वो पूरा पेज आपके यहाँ पे आया हुआ है। उस पेज को आप बड़ा करके आप जो पढ़ाना है आपको यहाँ से आप पढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है और इसके बारे में जो भी मुझे बताना है तो मैं यहाँ पे ही इजीली बता सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे और फीचर्स भी अवेलेबल हैं। जैसे आपको पढ़ाते पढ़ाते मैंने सपोज यहाँ मैंने मैंने एक इक्वेशन लिखा हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे ये वापस से बच्चों से पूछना है, ये क्वेश्चन करना है मैंने यहाँ से ये वाला मैंने ऑप्शन क्लिक किया और आप इस ऑप्शन से आप ये पूछ सकते हैं कि इस चीज का आंसर क्या आ रहा है। आप इस तरह से आप ए प्लस बी होल स्क्वायर के बारे में आप पूछ सकते हैं बच्चों से कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पे आपके पास ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं।
जैसे आप देख रहे हो ये सारा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है इस सॉफ्टवेयर से ही, तो आपके पास रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी है। अब मैंने जितना भी आपको बताया हुआ है वो मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में मुझे बच्चों से शेयर भी करना है, आपसे शेयर करना है। यहाँ पे आप उस फॉर्मेट में यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आपको अगर लिखना है सेशन का नाम, जैसे मुझे सेशन का नाम लिखना है डेमो, यहाँ पे मैंने डेमो यहाँ लिखा, और मुझे जिस भी फॉर्म में मुझे उसे एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट टू मैंने पीडीएफ फॉर्म में करना है, तो मैंने पीडीएफ फॉर्म में एक्सपोर्ट कर दिया, और मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप में मैंने उसे सेव कर लिया। तो इस तरह से आप साइबरनेटिक्स का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अगर आपको ये सेशन, ये अगर आपको ये डेमो अच्छा लगा तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। मेरा नंबर है 888-305-406। मेरा नाम है सुमित कुमार टहलवानी। तो अगर आपको, आप डिजिटल टीचिंग डिवाइस को इस तरह से यूज करने के लिए अगर आपको और भी जानकारी अगर चाहिए कि कैसे करना है, तो आप मुझे फ्रीली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।